हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू कोजी कट्टा। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट शी टॉक्स टू मी? आपको लगेगा मैं पागल हो गई हूँ या दिस इज समथिंग वेरी स्पूकी, दिस इज अनरियल, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा आपको लगेगा राइट? मुझे भी ऐसे ही लगा था, बट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उसके घर में भी एक कैट है और उसने मुझे बताया कि शी टॉक्स टू हर कैट रेगुलरली। मैंने बोला ये दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसी बोल रही है वो। बट देन शी टोल्ड मी अबाउट एनिमल कम्युनिकेशन, एंड एनिमल कम्युनिकेशन इज अ रियल थिंग गाइज। एनिमल कम्युनिकेशन, प्लांट कम्युनिकेशन इज अ रियल थिंग, मुझे पता नहीं था। फिर उसने मुझे एक नंबर दिया एनिमल कम्युनिकेटर का। ऑल्सो एनिमल कम्युनिकेटर इज अ रियल जॉब, आप इसके प्रॉपर कोर्सेज भी कर सकते हो, और ये कोर्स करने के बाद यू कैन कम्युनिकेट विद एनी एनिमल। तो इट स्टार्टेड, मैंने नंबर लिया, मैंने उनको फ़ोन किया, जो एनिमल कम्युनिकेटर थी मैंने उनको फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे बस ये बोला कि आपकी कैट का मुझे बस एक फ़ोटो भेज दो एंड उसका नाम बता दो। फोटो नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट उसका नाम बता देना। तो मैंने नाम बताया, देन शी आस्क मी माई नेम, ये सब हुआ। और उसने बोला कि मतलब घर में कौन कौन है, तो आई टोल्ड अबाउट माई मॉम, माई सिस्टर, माई फादर। सो शी सेड कि मुझे आपकी मम्मी का भी नाम बता देना, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू माई मॉम, तो मम्मी का भी नाम बता देना। तो ये सब, बस इतना ही मैंने डिटेल्स उसको दिए थे। उसके बाद शी टोल्ड मी दैट आई विल गिव यू टाइम, इस टाइम पर मैं कम्युनिकेशन करने वाली हूँ। ऑल्सो शी सेड कि शायद ऐसा होगा कि आपकी कैट को उस टाइम पे बात नहीं करनी होगी, तो कैट बोल देगी कि मुझे अभी नहीं करना है कम्युनिकेट, तो वो उस टाइम पे कम्युनिकेशन होगा भी नहीं। सो शी सेड यू जस्ट बी रेडी, आपके क्वेश्चंस रेडी रखना, इन केस अगर कम्युनिकेशन हो पाता है तो फिर मैं आपको कॉल करूंगी। आई सेड ओके, डन। सो दिस वॉज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर मी, बट एट द सेम टाइम वॉज लाइक हाँ ठीक है, देखते हैं, मतलब पता नहीं क्या होगा एंड ऑल। तो उन्होंने जो मुझे टाइम बोला था उस टाइम पे शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड ओके आई एम नाउ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन, और देखते हैं अगर हो पाता है तो। मैंने कहा ठीक है। सो देन शी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ माई कैट, आपको ये देख दिख रहा है यहाँ पे। सो शी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ माई कैट एंड आफ्टर हाफ एन आवर और सो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि रीना मैंने आपको कुछ लिख के भेजा हुआ है, सो जस्ट रीड दैट, आई हैव कम्युनिकेटेड विथ योर कैट। इनिशियली तो कैट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था एंड शी बिहेव लिटिल स्नॉबिश, जो है ही, एंड आई थिंक ऑल कैट्स आर लिटिल स्नॉबिश। तो उसके बाद माई कैट जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, शी सेड, एंड उसने बोला कि मैंने आपको कुछ लिख के भेजा है, बिकॉज व्हेन द कैट वॉज टॉकिंग आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स एंड मैंने आपको भेजा, आप वो पढ़ लीजिए, एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू योर कैट, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कॉल मी एंड यू टेल मी, देन आई विल आस्क द क्वेश्चंस टू हर। मैंने कहा ठीक है। So then I started reading and trust me guys, that was unreal. मतलब एक animal communicator जिसको मैंने कुछ नहीं बताया था मेरी बिल्ली के बारे में, मैंने सिर्फ उसका नाम बताया था और मेरा नाम बताया था, मेरी मम्मी का नाम बताया था, apart from that she knows nothing about me, my family, my house, but my cat literally described to her our house. मतलब पहले first paragraph में पूरा मेरा घर का description था, मैं अभी बात कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब शी इवन टोल्ड वो कहाँ पे बैठती है, उसको बालकनी से नीचे देखना अच्छा लगता है, बच्चे खेलते हैं वो देखना अच्छा लगता है, जहाँ पे सोती है वहाँ पे ऊपर एक बल्ब है, मम्मी के पास सोती है, मम्मी के बारे में उसने कुछ कुछ चीज़ें बताई, देन शी टोल्ड अबाउट माई सिस्टर, शी टोल्ड अबाउट मी, इतनी सारी चीज़ें उसने बताई एंड इट वॉज अनरियल। मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक यू नो समथिंग लाइक दिस इवन एग्जिस्ट। ऑल्सो एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है, एनिमल कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हम एनिमल्स की हेल्थ के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मेरी मम्मी ने उसको क्वेश्चन पूछा था, मतलब वेन आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस वी कॉल्ड दैट कम्युनिकेटर एंड वी टोल्ड हर दैट हमारे कुछ सवाल हैं, आप उससे पूछ लीजिए। एंड देन मेरी मम्मी ने कुछ सवाल पूछे कि फ्यू डेज अगो उसको पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो हम लोगों ने उसकी सोनोग्राफी वगैरह भी करवाई थी, तो नाउ इज शी फाइन। तो व्हेन द एनिमल कम्युनिकेटर आस्क्ड हर अबाउट इट, तो इसने ये बोला कि वो सब कुछ ठीक है, बट अभी मेरे पीठ पे एक जगह पे मुझे थोड़ी खुजली हो रही है।
सो शी पॉइंटेड आउट वन प्लेस जहाँ पे उसको पीठ पे खुजली हो रही थी. तो वो एनिमल कम्युनिकेटर ने मेरी मॉम से पूछा कि उसको ऐसे पीठ पे कुछ हो रहा है क्या अभी. तो मम्मी ने वो चेक किया तो एक्चुअली उसको वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ था और वो उसकी वजह से उसको उसकी खुजली हो रही थी. तो दिस वॉज समथिंग दैट वी जस्ट कुडंट बिलीव कि ये ऐसा है. मतलब आई थिंक दैट यू नो इफ वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, इट्स वेरी हेल्दी इफ यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर पेट्स. आई थिंक दे कैन टेल यू अ लॉट एंड आप बिलीव नहीं कर पाओगे ऐसी ऐसी चीजें. ये होने के बाद मैंने मेरे काफी फ्रेंड्स को बताया ये चीज, एंड फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी कोशिश की, उनके पास जो पेट्स है उन्होंने उनके साथ भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश की. उन पेट्स ने भी उनको बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताई दैट यू नो वो लोग बोले कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. तो आई फील यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस. प्लांट्स के साथ भी कम्युनिकेशन होता है, मैंने आज तक किया नहीं है, बट दिस लेडी वॉज टेलिंग मी कि प्लांट्स के साथ भी कम्युनिकेशन होता है. तो आई फील दैट यू नो इफ यू टॉक टू योर पेट्स इट्स अ वेरी हेल्दी गिव एंड टेक. दे कैन ऑल्सो टेल यू उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एंड आपको अगर कुछ क्वेश्चन, बिकॉज हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार काश मैं इसको कुछ हेल्प कर पाती, अगर उसको कुछ दर्द हो रहा है वाई शी शाउटिंग सो मच, वो इतना क्यों वो करे, या वो बीमार है क्या, सोई है, उठ नहीं रही है, शी इज नॉट ईटिंग वेल. तो ये सब क्वेश्चंस का जवाब ये खुद आपको दे सकते हैं. तो आई थिंक यू गाइस मस्ट ट्राई एनिमल कम्युनिकेशन. मुझे तो बहुत पसंद आया एंड मैं जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ. आप भी मेरे दोस्त हो इसके लिए मैं आज ये वीडियो कर रही हूँ आपको भी बताने के लिए. तो गाइज यू मस्ट ट्राई एनिमल कम्युनिकेशन. अगर आपने पहले ट्राई किया है, आपके कुछ किस्से हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज डू गिव इट अ ट्राई. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एनिमल कम्युनिकेटर का नंबर उसमें डालूंगी. ऑफकोर्स आई चेक विथ हर इफ शी इज इंटरेस्टेड, बिकॉज दिस इज नॉट अ पेड कोलेबोरेशन ऑर एनीथिंग, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू. तो मैं उनको पूछूंगी, अगर वो हाँ बोलते हैं तो मैं उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. यू कैन कम्युनिकेट एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू लव दिस, ट्राई इट. चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड टाटा. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कैट्स घर की ऐसे इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे सकती है, या यू नो योर पेट्स कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन किसी को भी, तो वैसा नहीं है. वो मुझे भी थोड़ा सा डर था कि यू नो आफ्टर दिस कम्युनिकेशन व्हाट इफ द एनिमल कम्युनिकेटर टॉक्स टू माय कैट एंड गेट्स घर का इन्फॉर्मेशन और एनीथिंग. तो वैसा नहीं होता है. व्हाट द कम्युनिकेटर एक्सप्लेन टू मी वाज कि कैट या आपके पेट्स ऐसे इजीली किसी के साथ बात नहीं करते अनलेस यू अप्रोच देम सेइंग कि आपकी जो भी आपके फैमिली मेंबर है, जैसे द एनिमल कम्युनिकेटर कम्युनिकेटेड विथ हर यूजिंग माय मॉम्स नेम, कि मम्मी ने आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बोला है, तब जाके ये ओपन अप हुई है. एंड दैट्स व्हाट दे अंडरस्टैंड, उन लोगों को समझ में आता है एंड दे डोंट ओपन अप टू एनीबडी एंड एवरीबडी अनलेस दे फील इट्स सेफ. तो वो भी एक डर मेरा निकल गया. सो नाउ आई रेगुलरली कम्युनिकेट विथ माई कैट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विथ हर, एंड इफ वी हैव समथिंग टू टेल हर वी ऑब्वियसली ट्राई टू टेल हर. वो कितना सुनती है मुझे नहीं पता, बट हम लोग बताने की तो एटलीस्ट कोशिश करते हैं. सो अगर आपके माइंड में ऐसा डर है कि कम्युनिकेशन करने के बाद कोई मिसयूज करे, तो रेस्ट अश्योर्ड ऐसा नहीं होता है. मैंने खुद करके देखा है.